कोलंबिया के स्कूल में पढ़ने वाले 11 स्टूडेंट में से 5 बच्चे स्कूल के कॉरिडोर में बेहोश पाए गए और बाकी बहुत बुरी हालत में थे। इनमें से कुछ लगातार उल्टियां कर रहे थे, किसी के पेट में जोरों का दर्द हो रहा था और किसी की मांसपेशियां अकड़ी हुई थीं। लेकिन सभी में एक चीज कॉमन थी कि सभी के मुंह से झाग निकल रहा था। जब टीचर्स ने इन बच्चों को देखा तो वो तुरंत इन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि इन सब की हालत तब खराब हुई जब ये ओइजा बोर्ड के साथ खेल रहे थे। ये वही आत्माओं को बुलाने वाला बोर्ड है जिसका इतिहास 200 साल पुराना है। कहा जाता है कि इस बोर्ड का इस्तेमाल आत्माओं से बात करने के लिए किया जाता था। वहीं कुछ लोग इनका इस्तेमाल सिर्फ मनोरंजन के लिए करते थे। अगर आप इस बोर्ड के बारे में नहीं जानते तो ये कुछ इस तरह दिखाई देता है, जिसमें ए से लेकर जेड तक सारे अक्षर लिखे होते हैं। इसके अलावा 1 से लेकर 10 तक अंक लिखे होते हैं। एक तरफ यस लिखा होता है और दूसरी तरफ नो, और ठीक नीचे गुड बाय लिखा होता है। अब किसी को इस बोर्ड के जरिए आत्माओं से बात करना होता था तो 3 से 4 लोग इस सरकने वाले स्लाइडर पर अपनी उंगलियां रखते थे और ध्यान लगाकर आत्मा को बुलाने की कोशिश करते थे। इसके बाद सवाल पूछा जाता था कि क्या कोई गुड स्पिरिट हमारे आसपास है या नहीं, तो स्लाइडर अपने आप सरक कर यस के निशान पर चला जाता था। लोग ऐसा मानते हैं कि ये सब आत्माएं करती हैं। ये बोर्ड इतना ज्यादा फेमस हुआ कि हॉलीवुड और बॉलीवुड हॉरर फिल्मों में भी इसका खूब इस्तेमाल किया जा चुका है, और ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि इससे आत्माओं से बातें की जा सकती हैं। लेकिन हमारा विज्ञान, हमारा साइंस इसके बारे में क्या कहता है? बहुत सारे एक्सपर्ट और साइंटिस्ट ने जब इस ओइजा बोर्ड पर रिसर्च किया तब उन्होंने पाया कि ओइजा बोर्ड के स्लाइडर को हिलाने का काम खुद इंसान करते हैं। ऐसा तब होता है जब हम यकीन कर लेते हैं कि वाकई में कोई आत्मा है और वो इस बोर्ड के जरिए हमारे प्रश्नों का उत्तर देगी। इस यकीन के साथ लोग ध्यान लगाने लगते हैं, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी उंगलियों को डायरेक्शन देता है कि उसे किस तरफ मूव करना है, लेकिन इसके बारे में हमें पता नहीं चलता। इस प्रोसेस को आइडियोमोटर रिस्पॉन्स कहा जाता है। साइंस के हिसाब से ओइजा बोर्ड बिल्कुल इंसानों के सबकॉन्शियस माइंड की वजह से काम करता है, लेकिन इस ओइजा बोर्ड की वजह से कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो वाकई में हैरान करने वाले हैं। 1920 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय यूएस में करीब 30 लाख से ज्यादा ओइजा बोर्ड बिके थे। कहा जाता है कि उस वक्त लोगों ने इस बोर्ड का इस्तेमाल गेम खेलने के लिए किया, लेकिन कुछ एक्सपोर्टर्स ऐसा मानते हैं कि लोग इसका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर में मरे हुए लोगों की आत्माओं से बात करने के लिए किया करते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से लगातार इसकी बिक्री बढ़ती चली गई और काफी लोगों ने इसका इस्तेमाल किया। वहीं कुछ मिस्ट्री ऐसी भी हैं जिसमें लोगों ने यह बताया कि उन्होंने ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल किया और आत्मा ने उनकी मदद की। जैसे कि एक बहुत ही फेमस लेखक थे एमिली ग्रैंड हचिंग्स, उन्होंने अपना सबसे बेहतरीन नॉवल जैप हेरन लिखा था। जब उनसे पूछा गया था कि आपको इस नॉवल को लिखने का आइडिया कहां से मिला, तब उन्होंने कहा कि मैंने ओइजा बोर्ड की मदद से मार्क ट्विन्स की आत्मा से संपर्क किया और उन्होंने ही इस नॉवल को लिखने में मेरी मदद की। मार्क ट्विन्स असल में 1835 के एक मशहूर अमेरिकन राइटर और पब्लिशर थे। बिल्कुल इसी तरह की कहानी बिल विल्सन की भी है। बिल विल्सन असल में अल्कोहलिक्स एनोनिमस नामक संगठन चलाते थे जो लोगों की शराब की लत छुड़वाने में मदद करती थी। ये कुछ 12 तरीके के इस्तेमाल करके शराब की बुरी लत को छुड़वा लेते थे। उनका कहना था कि ये 12 तरीके उन्होंने एक आत्मा से बात कर हासिल किए हैं। ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करके उन्होंने 15वीं सदी के एक मॉन्क की आत्मा से संपर्क किया और उन्होंने ही ये 12 तरीके बताए थे जिससे लोगों की शराब छुड़ाई जा सकती है। इन्हीं की तरह विलियम फूल्ड की भी कहानी काफी ज्यादा मशहूर हुई थी। ये 1917 के काफी फेमस रिचेस्ट बिजनेसमैन थे। उनका कहना था कि व्यापार करने का तरीका उन्होंने ओइजा बोर्ड की मदद से ही हासिल किया था। वो ओइजा बोर्ड की मदद से आत्माओं से बात करते थे और आत्माएं उन्हें बताती थी कि किस तरह से उन्हें बिजनेस करना है।
लेकिन उनकी मौत बड़ी ही रहस्यमय तरीके से हुई थी। कहा जाता है कि एक बार जब वो ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे, तब एक आत्मा ने उनसे संपर्क किया और कहा कि तुम 3 मंजिला इमारत बनाओ। और जब वो इमारत अपनी 3री मंजिल पूरी कर चुकी थी लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तब विलियम फूल्ड उस इमारत की छत पर चढ़ते हैं और वहां से कूद जाते हैं। ये इतने बुरे तरीके से गिरते हैं कि उनकी पसली टूटकर इनके दिल में घुस जाती है, और ये अब तक की सबसे दर्दनाक घटना थी। ओइजा बोर्ड से जुड़ी हुई ऐसी कई कहानियां हैं, लेकिन कुछ वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। 1933 में एक 15 साल की लड़की मैटी टर्ली ने अपने पिता का कत्ल कर दिया था। बताया जाता है कि जब उसने अपने पिता का कत्ल किया, उससे ठीक पहले वो ओइजा बोर्ड के साथ खेल रही थी और किसी से बातें कर रही थी। इस तरह से ओइजा बोर्ड की लोकप्रियता काफी बढ़ती गई, लेकिन एक फिल्म ने सब कुछ बदल कर रख दिया। 1973 में द एक्सॉर्सिस्ट नाम की फिल्म आई थी। इस फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे ओइजा बोर्ड की मदद से एक आत्मा एक लड़की के शरीर में घुस जाती है और तबाही मचाना शुरू कर देती है। इस फिल्म के बाद लोगों ने अपने ओइजा बोर्ड को तोड़ डाला था और अपने घरों से बाहर फेंक दिया था। लेकिन असलियत में इस ओइजा बोर्ड की क्या असलियत है, कोई नहीं जानता। विज्ञान कहता है कि ये एक सबकॉन्शियस माइंड गेम है, लेकिन दूसरी तरह से सारी घटनाएं कुछ अलग ही कहानी बयां करती हैं। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या वाकई में ऐसी कोई चीज है जिससे आत्माओं से संपर्क किया जा सकता है और उनकी मदद ली जा सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।